और बांग्लादेश में आम चुनाव के नतीजे आज आएंगे। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की जीत तय मानी जा रही, लगातार चौथी बार ये बनेगी शेख हसीना। और इससे पहले कल विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद बांग्लादेश में करोड़ों लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे, लेकिन बांग्लादेश ने अपने अतीत को याद किया, भारत को याद किया, बांग्लादेश की आजादी में भारत के सैनिकों के बलिदान को याद किया। प्रधानमंत्री शेख हसीना जब सामने आई तो कह दिया कि भारत की वजह से ही वो आज जिंदा है। बंगबंधु की बेटी जानती है कि भारत ही बांग्लादेश का असली साथी है। बांग्लादेश के 52 साल के इतिहास और उसकी कामयाबी में भारत का बड़ा योगदान रहा है। कैसे? प्रधानमंत्री मोदी की नीति से ISI का खेल बिगड़ गया, और कैसे बांग्लादेश हमेशा भारत का शुक्रगुजार रहेगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पूरा विश्वास है कि अगले 25 सालों के अमृत काल में भारत बांग्लादेश मित्रता नई ऊंचाइयां छुएगी। Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us not only that after 75 when we lost. Mr. Madam, your message to the India, because you know India is closely. You are most welcome. You are most welcome. We are very lucky. We have so many. No, equally, yeah, this time. Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sister, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. जिस दिन बांग्लादेश की 17 करोड़ की आवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला कर रही थी, उस दिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को हिंदुस्तान की याद आई। जिस दिन बांग्लादेश में करोड़ों लोग वोट डालकर अपना अगला प्रधानमंत्री चुन रहे थे, उस दिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को अपने परिवार की शहादत याद आई। जिस दिन बांग्लादेश में आम चुनाव हो रहे थे, उस दिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को वो छत याद आई जब भारत ने शेख हसीना और उनकी बहन को बचाया था। बांग्लादेश के लिए भारत की अहमियत क्या है, यह दुनिया से छुपा नहीं है, इसलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सकी। जब जब शेख हसीना हिंदुस्तान के बारे में बात करती हैं, तब उन्हें 52 साल पुराना वक्त याद आ जाता है, जब पाकिस्तान के जुल्म सितम की वजह से युवा शेख हसीना को छोटी बहन और पति के साथ दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। 1975 में तो उनका जिंदा रहना ही मुश्किल था। यह पाकिस्तानी फौज का ही प्लान था जो हिंदुस्तान की वजह से अधूरा रह गया। आज वक्त की सताई वही बेटी 4 बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रह चुकी हैं और 5वीं बार प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं।
लेकिन ये वो अग्निपथ है जिससे शेख हसीना को गुजरना है, क्योंकि पिछले 48 घंटे से बांग्लादेश जल रहा है। ये आग बांग्लादेश में आम चुनाव के ठीक पहले लगाई गई। ये आग बांग्लादेश में नया प्रधानमंत्री चुनने से सिर्फ चंद घंटे पहले लगाई गई। 7 जनवरी को बांग्लादेश में वोटिंग से एक दिन पहले ढाका के गोपीनाथ इलाके में कुछ लोगों ने एक पैसेंजर ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। इसमें 5 लोग जिंदा जलकर मर गए। आग उस वक्त लगी जब पैसेंजर ट्रेन बीनापोल एक्सप्रेस रात 9 बजे ढाका रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। तभी इस ट्रेन के 4 डिब्बे भीषण आग से धधक उठे। रात करीब 10:30 बजे आग पर काबू पाया गया। आरोप लग रहे हैं ये हमला लोगों को डराने और संसदीय चुनाव में मतदान करने से रोकने के मकसद से किया गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ घंटों में बांग्लादेश के कई हिस्सों से आगजनी की खबरें आईं। शनिवार सुबह 9:30 बजे तक 16 घंटे में आगजनी के कम से कम 14 मामले सामने आए। अब इन तस्वीरों को देखिए, जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आग ही आग दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के दक्षिणी तटीय जिले कॉक्स बाजार में रोहिंग्या शरणार्थियों से भरे एक शिविर में आग लगी। इस आग में 1000 से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों के शेल्टर्स जल गए और हजारों लोग बेघर हो गए। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में राजनीतिक संकट भी आ गया। पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। कार्यवाहक सरकार से चुनाव कराने की मांग न माने जाने की वजह से मुख्य विपक्षी दल बीएनपी इस इलेक्शन का बहिष्कार कर रहा है। साथ ही विपक्ष के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार के खिलाफ मार्च निकालकर प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन प्रधानमंत्री शेख हसीना इन हालात का, इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टी को आतंकी संगठन तक कह डाला। I have my accountability to people, to the people. Whether people accepted it or not, whether they have accepted this election or not, that is important. That is important to me. आज की तारीख में शेख हसीना के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन वो इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। भारत और चीन ही नहीं बल्कि रूस से लेकर अमेरिका तक की दिलचस्पी बांग्लादेश के चुनाव में बनी हुई है। बांग्लादेश के चुनाव में इन सुपर पावर देशों की इतनी दिलचस्पी की वजह क्या है? जब शेख हसीना किसी देश का दौरा करती हैं, तब उनका स्वागत एक सशक्त प्रधानमंत्री के तौर पर क्यों किया जाता है? कैसे बेहद छोटा देश होने के बावजूद बांग्लादेश की गिनती बेहद तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था के तौर पर होती है? कैसे बांग्लादेश से काफी बड़ा पाकिस्तान कई मामलों में बांग्लादेश से पिछड़ गया है? युद्ध की जमीन से 1971 में जन्मे बांग्लादेश का 52 सालों का इतिहास किसी से छिपा नहीं है।
लाखों का बलिदान देकर, अपनों को खोकर शेख हसीना बांग्लादेश को इस मुकाम पर लेकर आई है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 400 अरब डॉलर को पार कर गई है। बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या की गई, उस वक्त उनकी बेटी शेख हसीना अपने पति और छोटी बहन के साथ ब्रसल्स में मौजूद थी। तब उनकी भी हत्या हो सकती थी क्योंकि मुजीबुर रहमान के इशारों पर नाचने वाले राजनयिकों ने भी पाला बदल लिया था। कई राजदूतों ने दोनों बहनों की मदद करने से इनकार कर दिया था, यहाँ तक कि उनको अपनी कार तक देने से मना कर दिया था। उस वक्त पूरी दुनिया में अगर कोई दोनों बेटियों की मदद के लिए सामने आया वो था भारत। इसलिए शेख हसीना आज भी भारत के इंसानों को भूली नहीं है, वो भारत को टेस्टेड फ्रेंड यानी परखा हुआ दोस्त कहती है। Prime Minister Madam, your message to the India, because you know India is closely. You are most welcome. You are most welcome. We are very lucky. We have so many people here this time. Well, India is our trusted friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family, father, mother, brothers, everybody, only we two survived. So they gave me shelter. शेख हसीना जानती है वो कभी भी नहीं भुला सकती कि आखिर भारत ने सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश के लिए क्या किया है। वो साल था साल 1971। यह ऐतिहासिक साल था, तीन मुल्कों में कभी ना भुलाया जाने वाला साल, जिस साल तीन मुल्कों की तकदीर तय हुई। इसी साल दुनिया के नक्शे में एक नए मुल्क का जन्म हुआ, एक मुल्क दोफाड़ हुआ और एक मुल्क ने बरसों से सताई गई जनता का उद्धार किया। पाकिस्तान में चुनाव हुए थे, बहुमत मिला पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान को, उनकी पार्टी अवामी लीग को 331 में से 167 सीटों पर जीत मिली। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी बनी थी, सीटें मिली थी सिर्फ 68। बस यहीं से खूनी दास्तान शुरू हुई। पाकिस्तानी सरकार को यह मंजूर नहीं था कि कोई बंगाली मुसलमान सत्ता पर बैठे। विद्रोह हुआ तो सेना के जरिए बंगाली जनमानस को कुचलना शुरू कर दिया गया और तब सामने आया हिंदुस्तान। उस वक्त आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ के सामने पूरी पाकिस्तानी फौज ने घुटने टेक दिए। बांग्लादेश की आजादी में कई भारतीय वीर सपूतों ने भी बलिदान दिया था, इसलिए बांग्लादेश भारत का एहसान कभी भूला नहीं है। आत्मविश्वास से भरी शेख हसीना को आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई बार मंचों पर देखा है, लेकिन उस दौर में वो 6 साल तक भारत में रही जब उनका सबसे बुरा दौर था। इसके बाद जब वो ढाका वापस लौटी तो एयरपोर्ट पर उनका हजारों लोगों ने स्वागत किया, फिर जो कुछ हुआ वो इतिहास है। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बांग्लादेश पूरब वाली सरहद के पार का वो मुल्क जिसकी तारीख के हर पन्ने पर हिंदुस्तान की कुर्बानियों के निशान हैं, जिसका इतिहास अतीत से लेकर वर्तमान तक हजारों साल पुरानी साझा विरासत का अक्स समेटे हुए है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो भारत के साथ ही आजाद हुआ था। बांग्लादेश कई सालों बाद बना, लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को कहीं पीछे छोड़ दिया है और खुद पाकिस्तानी आवाम भी इसकी तस्दीक करती है।